क्वेश्चन में कहा है fx इक्वल्स टू log 1 प्लस x अपॉन a माइनस log 1 माइनस x अपॉन b अपॉन x, कब जब x 0 के बराबर नहीं है. फाइंड द वैल्यू ऑफ f एट x इक्वल टू 0 सो दैट f बिकम्स कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0. तो इसमें ना तुम fx को पहले थोड़ा सा लिख लो, log 1 प्लस x अपॉन a माइनस log 1 माइनस x अपॉन b. ये होगा फंक्शन कब, जब x इज़ नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, और ये क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ f. ठीक है, f की वैल्यू बताओ एट x इक्वल टू 0. तो हम उस वैल्यू को k मान लेते हैं. ठीक है, तो k होगा कब, जब x 0 होगा. तो हमें ये k ही तो फाइंड करना है यहाँ पे, तो k फाइंड करते हैं. तो देखो किस पॉइंट पे, सो दैट f बिकम्स कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, f 0 लिखते हैं. f 0 कितना हो गया, k. ठीक, अब हम लिखते हैं यहाँ आर एच एफ, लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 प्लस h. ठीक है, 0 प्लस h इज़ नॉट इक्वल टू 0, और नॉट इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास फंक्शन ये वाला है. ठीक है, तो लिमिट्स h टेंड्स टू 0, यहाँ जहाँ भी तुम्हें x दिख रहा है उसकी जगह 0 प्लस h यानी कि h रख दो. तो log 1 प्लस h अपॉन a माइनस log ये अपॉन में x भी है यहाँ. ठीक है, log 1 माइनस h अपॉन b. ठीक है, और होल अपॉन कितना, h. ये आ गया. अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, लिमिट्स h टेंड्स टू 0 log x लिख लो, x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x कितना होता है, 1 होता है. ठीक है, तो बनाओ यहाँ पे लिमिट्स h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस h अपॉन a, ये h है इसको h अपॉन a बनाना है, तो h अपॉन a से डिवाइड और a से क्या मल्टीप्लाई, माइनस log 1 प्लस माइनस h अपॉन b. ठीक है, होल अपॉन ये वाला h यहाँ भी आएगा, अपॉन में माइनस b और मल्टीप्लाइड बाय माइनस b. देखो जो यहाँ है वही यहाँ बनना चाहिए ना, माइनस एच अपॉन बी माइनस एच अपॉन बी, लिमिट अप्लाई करा दो. तो ये वाली वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो ये आ गया 1 अपॉन ए माइनस, यहाँ से आया माइनस 1 अपॉन बी, तो ये आ गया 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी. ठीक है, सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, देयरफॉर एफ ज़ीरो इज इक्वल टू आर एच एल. हमें एल एच एल निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पे. ठीक है, तो एफ ज़ीरो और आर एच एल के आगे बराबर, एफ ज़ीरो कितना है के, और आर एच एल क्या है, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी. इसका मतलब एलसीएम ले लिया तो कितना, ए बी, एंड दिस इज बी प्लस ए. तो जो के की वैल्यू आ गई ए प्लस बी अपॉन ए बी, ये के की वैल्यू.